सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारा लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, सुविधा नेट टेक्निक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जब कहीं भी कोई वर्क करते हैं तो उसमें प्रिंटर का अहम रोल होता है। कोई भी इंटरनेट वर्क कीजिए, लेकिन जब हम उसका आउटपुट देंगे तो उसके लिए हमको चाहिए प्रिंटर। और इस समय प्रिंटर में बहुत अच्छा प्रिंटर जो चल रहा है वो है कैनन का G3000 मॉडल जो हमारे पास इस समय है। तो दोस्तों, हम इसके बारे में आपको इसमें स्याही भरने में क्या रखें सावधानियां और कैसे भरें इसमें इंक, इस बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, हमारे पास भी और भी है प्रिंटर। उस प्रिंटर में भी स्याही भरते समय क्या रखें सावधानियां उसके बारे में भी पूरी देंगे जानकारी। इसके अलावा हमारे पास एक प्रिंट, दो प्रिंट, तीन प्रिंटर और हैं, तीनों के बारे में हम जानकारी देंगे जो उधर है, अभी हम उसको भी दिखाएंगे आपके सामने। तो वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा। कैनन G3000 मॉडल, इसमें देखिए दोस्तों, स्याही का लेवल देखिए, ध्यान से देखिए, ये स्याही का लेवल थोड़ा कम हुआ है, हम इसको स्याही को भरेंगे। ये मैजेंटा और ये सियान और ये येलो, ये तीनों स्याही का लेवल कम है, इधर ब्लैक भी काफी आधे से कम हो गया, तो हम इसमें स्याही भरेंगे। स्याही भरने के लिए हम इस कवर को ओपन करेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों, ओपन होने के बाद ये कवर रुक जाएगा और फिर हम सबसे पहले ब्लैक पे आते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है बीके यानी ब्लैक स्याही, हम इसको ऐसे खोल देंगे और इस ढक्कन को हम उठा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ढक्कन हम उठा के इसको ऐसे लगा लेंगे स्याही भरने के लिए। और हमारे पास है ब्लैक बोतल, इसमें अभी आधी स्याही बची हुई है, तो सबसे पहले हम इसका करेंगे प्रयोग। ये देखिए दोस्तों, ये स्याही कैनन G3000 में BK GI790 हम ये स्याही इसमें हम डालेंगे। तो इसको डालने के लिए हमने टैप लगाया, खोला तो टैप से ये निकला। ये देखिए दोस्तों, टैप खोलने का ऐसे हुआ। अब हम इसको ब्लैक में, ब्लैक स्याही को हम ऐसे पलट देते हैं और देखिए दोस्तों, स्याही भर रही है। ये देखिए दोस्तों, स्याही का लेप ऊपर हो रहा है। तो दोस्तों, ये ब्लैक स्याही हमने भर ली, देखिए लेवल पूरा ऊपर आ गया। तो हम बोतल को हटा लेंगे, ये ब्लैक स्याही पूरी तरह से भर गया है, तो हम बोतल को कर लेंगे किनारे, कैप को हम लगा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने कैप लगा के इस बोतल को कर दिया किनारे। अब हम इसको कर देंगे कैप को वापस बंद और इसको अब इधर हमने लाए। सबसे पहले हम डालेंगे येलो स्याही, तो येलो स्याही की बोतल हमारे पास है। ये देखिए, ये नया बोतल हम खोलते हैं, येलो इंक इसके अंदर से निकलेगी। ये एयर टाइट डिब्बा होता है, हमेशा स्याही आप ओरिजिनल लीजिए, जिस भी कंपनी में डालिए स्याही ओरिजिनल डालने से दोस्तों ये हमारे प्रिंटर की लाइफ जो है बनी रहती है, प्रिंटर जल्दी खराब नहीं होता और ओरिजिनल स्याही काफी प्रिंट निकालती है। तो ओरिजिनल स्याही है दोस्तों, ये कैनन G3000 कलर इंक हम येलो हम डालेंगे। सबसे बगल में है येलो, देखिए वाई, ये ध्यान से देखिएगा, वाई देख के येलो समझिए और येलो में येलो ही डालिए दोस्तों। ये जरूर ध्यान रखिए, अगर हमने भूल से दूसरे स्याही में दूसरी स्याही डाल दिया तो हमारा प्रिंटर हो जाएगा खराब, उसका प्रिंट क्वालिटी एकदम चौपट हो जाएगी। और ये देखिए दोस्तों, हम येलो स्याही भरना शुरू कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, लेबल येलो स्याही का लेबल हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि स्याही हम डाल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये येलो स्याही का लेबल हो गया पूरा और हमने येलो स्याही को किया किनारे। और हम अब इसके बगल में है मैजेंटा, तो हम लेते हैं मैजेंटा वाली बोतल, मैजेंटा की बोतल हमारे पास है। ये पहले से ये है दोस्तों, ये भी ओरिजिनल स्याही है, हम जो भी यूज करते हैं ओरिजिनल यूज करते हैं। तो मैजेंटा के लिए हम पहले येलो ढक्कन को करेंगे बंद और हमने इसको खोला। अब हम बीच में मैजेंटा, यहाँ लिखा है यम मैजेंटा, यानी यम, ये ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है यम और इसके नीचे ये हम डालेंगे मैजेंटा। तो हमने डाला ये मैजेंटा, मेजेंटा अभी कम ही खत्म हुई थी तो इसमें अभी कम ही स्याही डालना पड़ा, तो मेजेंटा का लेवल भी होंगे स्याही का पूरा और इसके ढक्कन को हमने लगाया। ये देखिए दोस्तों, अब आया स्यांसी यानी स्यान, तो स्यान स्याही को भी हम अब डालेंगे। तो स्यान स्याही का हमने ये देखिए दोस्तों, ये पैकेट हम खोलने जा रहे हैं, स्यान है इसमें लिखा हुआ है सी यानी स्यान, तो हम इसको हम इसके ढक्कन को खोलते हैं। तो ये स्यान स्याही का ढक्कन हम खोलेंगे, इसके एयर टाइट प्लास्टिक को हम काटेंगे, एयर टाइट जब तक जब जाएगा तो तभी इस प्लास्टिक को काटिए, इससे स्याही की लाइफ बनी रहती है, मतलब स्याही जितने दिन प्लास्टिक नहीं कटेगा उतने दिन तक खराब नहीं होती है, तो जब जरूरत हो तो काटिए। तो सब हमने स्यान को लिया और स्यान का ढक्कन भी खोलेंगे और इसको इधर लगाएंगे और फिर हम इसमें स्याही स्यान भरेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें स्याही कम है, आदेश कम हो गई लेकिन हम भर रहे हैं, तो ये लेवल बढ़ता जा रहा है। और ये देखिए दोस्तों, स्यान भी हमने पूरा कर लिया। और दोस्तों, ये सावधानी रखिए कि प्रिंटर उस समय हमेशा बंद रहे, जब आप स्याही भरिए तो प्रिंटर बंद रहे, और फिर इस ढक्कन को नीचे गिराने के लिए इसके लास्ट को ऐसे आगे तरफ खींच दीजिए, प्रिंटर बंद हो जाएगा और तब प्रिंटर को खींचिए आप। ये मैंने प्रिंट दे दिया और इसके बाद ये देखिए प्रिंटर अपना काम करने लगा, ये इसने एक सादा प्रिंट निकाला है, हालांकि कुछ लगाया गया होता तो कलर भी निकाला। जैसे 3000 के बारे में इंक भरने की पूरी जानकारी आपने ले ली। अब देखिए इप्सन L455 बहुत अच्छा प्रिंटर है दोस्तों, इससे फोटो प्रिंट बहुत अच्छी आती है। तो मैं इसमें इंक कैसे भरा जाता है इसको आपको संक्षेप में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसके दाईं तरफ है एक इंक भरने का, हमारे पास एक ये लगा हुआ है और इसको हम ऐसे उठाते हैं। इसके भरने का तरीका थोड़ा सा दूसरा, इसको हमको ऐसे सीधा करना पड़ता है और यहाँ पे खुल जाता है इसका एक ढक्कन और इसमें लगे रहते हैं नाप। सबसे पहले होता है ब्लैक, फिर येलो, फिर मैजेंटा और फिर स्यान, जो स्याही भरनी हो तो ढक्कन को हटाना है। तो उसको इसमें देखिए काफी दिन से स्याही न भरने के कारण ये थोड़ा गंदा हो गया, मैंने इसको साफ कर दिया। देखिए सबसे पहले ब्लैक में भरेंगे बीके स्याही और फिर इधर येलो के लिए वाई, मैजेंटा के लिए एम और स्यान के लिए सी लिखा हुआ, तो हम इसमें ऐसे स्याही भर सकते हैं। दोस्तों, आप स्याही भरने का तरीका जान ही रहे हैं और आगे मैं दूसरे प्रिंटर के बारे में आपको बताऊंगा।
प्रिंटर का नाम है कैनन एमपी 287 मॉडल। ये मॉडल अब मार्केट में उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम पहले चला रहे थे हमारे पास। इसमें स्याही भरने के लिए दोस्तों यहाँ से हम ऐसे खोलते हैं दोस्तों। ये देखिए, इसमें भी सबसे पहले दिया हुआ है ब्लैक, फिर ये मैजेंटा, फिर ये स्यान और ये येलो। तो ये इतने यहाँ से हम स्याही भर सकते हैं। सबसे पहले हम स्याही भरने के लिए इसके इस नाप को हम बंद करते हैं और इधर के नाप को हम खोलते हैं। यहाँ से देखिए, एक नाप बंद करेंगे, इधर खोलेंगे और यहाँ से हम स्याही डालेंगे। तो इसमें ध्यान रखना रहता है कि इधर वाला नाप हम जरूर बंद कर दें। तो इस तरह आप इसमें स्याही भर सकते हैं। किसी भी प्रिंटर में सावधानी, सबसे बड़ी सावधानी ये है कि जिस कलर में आपको जो कलर पड़ना चाहिए वही डालें, न कि दूसरा कलर डालें। और इस तरह से हम इसमें स्याही भर सकते हैं। दोस्तों देखिए, हमारे पास एक और प्रिंटर है जिसके फोटो पेपर बढ़िया निकलता है, इसलिए हम आधार कार्ड, पीवीसी कार्ड भी छाप सकते हैं। इप्सन का है EL805 मॉडल। इस प्रिंटर में स्याही भरने के लिए दोस्तों आपको इधर आना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, जैसे उस इप्सन में स्याही भरना था वैसे इसमें इसमें स्याही पहले से भरी हुई है, तो हमको स्याही भरने बस आपको बता दे रहा हूँ। स्याही भरने के लिए इसको हमको ठीक से ऊपर उठाना और ऐसे रख देना है। ऐसे रखने के बाद इसमें आपको 6 स्याही भरने के ये बटन मिल जाएंगे, तो 6 स्याही भर सकते हैं। सबसे पहले वाई यानी येलो, फिर बी के यानी ब्लैक, एल सी यानी लोअर स्यान, एल एम यानी मीडियम मैजेंटा और ये यूएम यानी मैजेंटा और इधर स्यान। तो इस तरह से 6 कलर की स्याही भरनी। इसमें भी यही ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे बड़ी सावधानी जरूर रखें कि जो कलर उसमें वही कलर की बोतल और ओरिजिनल स्याही जरूर डालें। देखिए, हमारे पास एक और प्रिंटर है, इसका नाम है HP DeskJet GT5820 यानी 5820 नंबर का ये मॉडल है। और ये एक तरह से इसमें वायरलेस है और प्रिंट और स्कैन और काफी तीनों करता है। HP ने इस प्रिंटर को निकाला है और HP का ये ब्रांड मॉडल है। और इसमें हम आप स्याही भर के दिखाएंगे दोस्तों। तो इसका कुछ स्याही भरने का तरीका थोड़ा सा अलग है, हालांकि HP जैसे ब्रांड ने इसमें कुछ बदलाव किया है। हम इसको खोल रहे हैं तो आप खुद ही समझ में आ जाएगा क्या इसमें अलग है। हम बता भी देते हैं कि हम इसके स्याही के ब्लैक इंक को यहाँ भरेंगे, क्योंकि बाकी इसको भरे हुए हैं। तो ये भी टाइट प्लास्टिक में पैक है, हम इसको खोल देते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये टाइट हमने प्लास्टिक को किया किनारे और ये हमने इसे इसको किया बाहर। देखिए दोस्तों, हमने बाहर किया तो क्या इसमें अंतर है, ये देखिए। इसके ढक्कन में एक क्वालिटी है कि अगर हम इसको पूरा उल्टा भी कर देते हैं तो स्याही कुछ भी बूंद नीचे नहीं गिरती है। हम आपको एक बार इसका पूरा ढक्कन खोल के दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि क्या है। हालांकि अभी आप कहेंगे इसके कारण स्याही नीचे नहीं गिर रही, तो हम इसको भी हटाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको कर लिया किनारे, अब इससे स्याही नीचे गिर सकती है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या सिस्टम है, इसको ढक्कन को हम खोलेंगे तो सिस्टम आप देख लीजिए। HP 5820 में ये सिस्टम है कि अगर हम इसको इस पर कस के और इसको पूरा हम इसको हम उल्टा भी कर देते हैं तो स्याही की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरती है। लेकिन वही दोस्तों, स्याही जब हम भरने के लिए हम इसके ढक्कन को खोलेंगे तो सबसे पहले हम ब्लैक सबके किनारे ब्लैक, देखिए आधी स्याही रह गई, हम इसको भरेंगे तो हम इसके ढक्कन को खोल देते हैं और इसमें हम इसको फंसा के हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, स्याही भरनी शुरू हो गई है, ऑटोमेटिक रूप से स्याही इसमें से निकल रही है और धीरे धीरे भरता जा रहा है। लेवल देखिए दोस्तों, स्याही का लेवल ये धीरे धीरे ऊपर होता जा रहा है। तो दोस्तों, स्याही भरने के लिए हमेशा सावधानी रखिए कि जिस इंक की बोतल हो उसी तरह के स्याही को उसमें डालिए। कभी भी दूसरे में स्याही अगर दूसरी मिल जाएगी तो पूरा प्रिंटर जो है खराब हो जाएगा। तो आप ये ध्यान से देखिए कि ये अब भर गया है। और फिर से देखिए दोस्तों, मैंने इसको निकाला तो एक भी बूंद नहीं गिर रही है, लेकिन जब हम इसमें लगा रहे हैं तो स्याही भर जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा जादू की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये केवल टेक्नोलॉजी है जो HP ने दिया है। HP ऐसा पहला प्रिंटर है जो ऐसी टेक्नोलॉजी दे रहा है। तो इस तरह के वीडियो को आप देखने के लिए हमारे सुविधा नेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इससे इस तरह के हम वीडियो आगे भी आपको बताते रहेंगे, जो व्यवहारिक होगा हमारा जो अनुभव है आपसे शेयर करेंगे, जिससे आप भी इसका पूरा लाभ उठा सके। दोस्तों धन्यवाद। आपका प्रिंटर में स्याही भर जाए और उसका यूज न करना हो तो प्रिंटर को हमेशा कपड़े से, साफ सुथरे कपड़े से ऐसे ढक के रखें जिससे इसके अंदर स्याही का धूल मिट्टी न जाए। ये देखिए दोस्तों, ऊपर का कपड़ा आना चाहिए, नीचे वाला प्रिंटर मैंने ढक के रखा है कि इसमें अंदर कहीं से कुछ कपड़ा न आए, बल्कि ऐसा चाहे तो पूरी तरह से ढक के रखें। तो ये प्रिंटर आपका काफी दिनों तक सुरक्षित रहेगा और जल्दी खराब नहीं होगा, ये पूरी तरह से ढक के रखना चाहिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल के नीचे रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।